नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लहसुन भाव। और आज में मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, आइए देख लेते हैं 21 मार्च को जो लास्ट नीमच मंडी चली थी उसमें लहसुन के भाव किस प्रकार रहे थे, ऊँटी लहसुन और देसी लहसुन के भाव। तो एक बार जो पुरानी मंडी 21 मार्च को लास्ट चली थी उस याददाश्त को अपन ताज़ा कर लेते हैं और लास्ट टाइम जो नीमच मंडी में क्या भाव रहे थे वो भाव देख लेते क्वालिटी अनुसार देसी लहसुन और ऊँटी लहसुन के भाव। तो आइए देख लेते हैं देसी और ऊँटी लहसुन के भाव 21 मार्च 2020 को नीमच मंडी में क्या रहे थे। नया ऊँटी लहसुन 8,000 से 9,100, उच्चतम 9,100 रुपये प्रति क्विंटल बिका था किसान भाइयों। तो नया ऊँटी लहसुन 21 मार्च को 8,000 से 9,100 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था। इसके साथ ही मीडियम माल 7,000 से लगा करके 8,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था। लड्डू माल 6,000 से लगा करके 7,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था। बारीक माल था जो 5,000 से लगा करके 6,000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था। और बाज़ार में 200 रुपये की सुबह सुबह तेज़ी देखने मिली थी, दोपहर बाद और भी ज़्यादा तेज़ी 700 से 800 रुपये की तेज़ी देखने को मिली थी किसान भाइयों। 21 मार्च को जो लास्ट मंडी चली थी उसमें ऊँटी लहसुन के भाव इस प्रकार रहे थे। इसके साथ ही जो देसी माल था उसके भाव देख लेते हैं किसान भाइयों। नया देसी माल 5,800 से लगा करके 6,600 रुपये उच्चतम बिका था, 6,600 रुपये उच्चतम प्रति क्विंटल। लड्डू माल 4,800 से लगा करके 5,800 रुपये और मीडियम माल 3,800 से लगा करके 4,800 रुपये प्रति क्विंटल। बारीक माल था जो 2,800 से लगा करके 3,800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था। और हल्का माल था जो 2,000 से लगा करके 2,800 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था। और आवक लगभग 22,000 बोरी प्लस थी किसान भाइयों जो लास्ट टाइम था 21 मार्च को नीमच मंडी में उसमें। और बाज़ार सुबह सुबह 300 रुपये तेज रहा था। उसके बाद दोपहर में जैसे ही पता चला कि लॉकडाउन के लिए मंडियाँ शटडाउन होने वाली हैं, बंद होने वाली हैं, तो बाज़ार में मार्केट में और ज़बरदस्त तेज़ी और उछाल देखने को मिली थी और 700 से 800 रुपये देसी माल में तेज़ी देखने को मिली थी।